हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फॉर क्लास के टू तो क्लास ट्वेल्व हिंदी मीडियम चैनल भी हमारे यहाँ जो हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्व वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोर्ड सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं जैसे कि बिहार राजस्थान यूपी एम पी दली बोर्ड जहां okay, साथ साथ आपको, तो तो आपको हर चीज प्रोवाइड करा, कराई जाती है इसके साथ साथ हम आपको ई e बुक्स और ई e नोट्स का बेनिफिट भी देते हैं यदि आपको बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेवन है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं सो माइडियर स्टूडेंट्स जैसा की हम हमारा चैप्टर नंबर थ्री पढ़ रहे हैं है ना जिसका नाम क्या है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स राइट कुछ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्या किए कवर भी कर लिया इस चैप्टर से रिलेटेड

क्लास को स्टार्ट करो उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से लाइक शेयर का बटन दबा दो जल्दी से सो दैट क्लास को स्टार्ट करें सबने कर कर दिया कर दिया लाइक शेयर चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझते हैं वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है मीनिंग समझ लिया इसका नेचर समझ लिया पर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लाइट डालते हैं इसको भी समझते हैं कि ये क्या है सो so, दे आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग दियल स्टेटमेंट सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल एंड बेटर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इस तरीके से प्रिस्क्राइब करे गए हैं आपके लिए इस तरीके से बनाए गए हैं सो दैट क्या हो आप इनको फॉलो कर सको राइट आप क्या कर सको इनको फॉलो कर सको और क्या करो प्रिपेयर कर सको या प्रेजेंट कर सको किसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को राइट right? जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है अपने यूजर के सामने उसकी पूरी डिटेल उसका पूरा आप कह सकते हो जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है जो भी चीजें हैं वो पूरी आपको दी गई है किसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बस आपको क्या करना है उसे फॉलो करना है क्लियर समझ आ गया चलो फिर आपसे क्या बोला है सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड रूलिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द यूजर्स मतलब कि जो भी आप फाइनेंशियल बना रहे हो राइट जितनी भी कंपनीज हैं सारी क्या करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो यदि आप फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो ना तो क्या होगा वो सारी एक कॉमन रूल के बेसिस पे बनेंगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको कुछ रूल्स ही देके रखे हैं है ना यदि इसको फॉलो करोगे तो वो सारे रूल्स सभी के लिए क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे ऐसा तो एक बिजनेस फॉलो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा भाई सारे बिजनेस क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो यदि इसको फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो सभी के लिए चीजें क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएंगी सभी के लिए चीजें कॉमन हो जाएंगी कॉमन रूल्स हो जाएंगे या कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे राइट right? या जो yeah, जो भी भी आप principle follow कर रहे हो 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 वो वो भी क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे. क्या जाएंगे जाएंगे सबके लिए हो लिए लिए जिससे होगी 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 एक किसके के भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो जो भी इन्फॉर्मेशन बना रहे हो, हो किसके लिए होती है वो यूजर के लिए तो होती है तो अल्टीमेटली सारी चीजें यूजर के लिए है कि यूजर को क्या हो भाई समझने में आसानी हो है ना यूजर को ही नहीं समझ आएगी तो इतनी इन्फॉर्मेशन बनाने का या इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या फायदा कोई फायदा नहीं होगा ओके okay? तो यूजर को समझ में आए यूजर को क्या हो उससे हेल्प हो डिसीजन लेने में इसलिए हम क्या करें भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं ताकि कॉमन रूल और कॉमन प्रिंसिपल से बनाएंगे तो समझने में आसानी होगी बस यही है कॉन्सेप्ट कि किसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्लियर हो गया मीनिंग में भी समझ लिया था और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में भी समझ लिया अब अच्छे से आए हो आपके दिमाग में फिट हो ही गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बस बोलना नहीं है समझना है एग्जाम में तो अपनी भाषा में लिख देना कोई दिक्कत नहीं है चलो अब बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंड को प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है में बिल्कुल आ सकता है। पूछ सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव तो यार हर चीज के पता होने चाहिए कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है यू you नो know, हिंदी में बोलते हैं ना क्या उद्देश्य है तो वो तो पता होने चाहिए तो आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी कुछ उद्देश्य को जान लेते हैं सबसे पहला आपसे कह रहा है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विदिमिनेटेंट पॉसिबल देखो क्या है इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इसका पहला उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें क्या करना है कम करना है मिनिमाइज करना है क्या बहुत सारे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं या जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं है ना देखो हमें क्या करना है एक यूनिकनेस लेके आनी है एक कॉमन आप कह सकते हो कॉमन या यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है

तो ये जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी जो सब अलग अलग फॉलो कर रहे थे ये चीज कम हो सके ये चीज क्या हो मिनिमाइज हो जो अलग अलग फॉलो कर रहे हो उसको कम करो और क्या करो एक पर्टिकुलर चीज को सभी लोग फॉलो करो कॉमनली ये इसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का विद द एम टू टू एलिमिनेट देम एक्सटेंट पॉसिबल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये जितनी भी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी जा रही हैं अलग अलग जो आ, लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं इनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो एलिमिनेट करो इनको खत्म करो हटाओ सबको हटाओ सबको खत्म करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा क्या करो इन सब चीजों को हटाओ खत्म करो और सिर्फ एक कॉमनली चीज यूज करो या एक कॉमन चीज को फॉलो करो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स राइट right? सभी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे बाकी जितने भी आपके इधर उधर की पॉलिसीज हैं आपको फालतू कहीं ध्यान नहीं देना है बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है क्लियर हो गया यही पहला ऑब्जेक्टिव है किसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समझ गए अच्छे से समझ गए ना चलो अगला ऑब्जेक्टिव है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई बहुत ज़ाहिर सी बात है किसको यूजर, को, यूजर कौन है मान लो गवर्नमेंट है हमारी जो सरकार जो गवर्नमेंट है वो सभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती है सभी इन द सेंस जो भी उस दायरे में आती है एक पर्टिकुलर दायरा होता है जिसके अंदर जो भी कंपनीज आएंगी उनके फाइनेंशियल

कि जो आपके क्लासेस में जो आपकी कॉपीज बनवाई जाती है टीचर सभी को बोलते हैं ना भाई एक जैसी कॉपी बनाओ सब एक जैसे रजिस्टर बनाओ ऐसे बनाओ क्वेश्चन ऐसे लिखो आंसर सारी चीजें आपको कभी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो सबको एक जैसा दिया जाता है ऐसा क्यों होता है ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो सबको अलग अलग देखे तो टीचर तो पहले ये देखेगा कि यार इसने जो बनाया इसको मैंने यही दिया था ना कि इसने कुछ और बना दिया है ना ऐसा तो नहीं है तो ये सब चीजों को कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो एंड यूजर है मतलब जो आपका टीचर है जो एंड में जैसे सबके प्रोजेक्ट या सबकी कॉपी जिस टीचर को चेक करनी है तो वो तो यही चाहेगा ना कि भाई ऐसी कोई चीज हो जो सबकी एक जैसी हो तो फटाफट चेक कर दू ना वो तो यही चाहेगा इसलिए वो सबको एक जैसे प्रोजेक्ट देता है सबको कहता ही देगा राइट तो इससे क्या होगा भाई ताकि लास्ट में जब यू, जो आपके टीचर है उसको चेक करने में आसानी हो वैसे ही जब सभी कंपनी एक जैसी चीजें एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाएंगे तो यूजर्स को समझने में आसानी होगी अब मान लीजिए जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर मतलब जो कंपनीज में पैसा लगाते हैं अब वो इन्वेस्टर हमेशा एक ही कंपनी में तो पैसा लगा नहीं रहा होता है एक साल एक कंपनी में लगा लिया फिर कभी दूसरी कंपनी में लाइक वो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है या एक साल में दो दो कंपनीज में भी पैसा लगा देता है तो जो इन्वेस्टर है वो जो अलग अलग कंपनी में पैसा लगा रहा है यदि सबके वो अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेगा तो उसको समझने में कितनी डिफिकल्टी होगी और ना वो अपने डिसीजन पे पहुंच पाएगा कि भाई पैसा लगाऊ या नहीं लगाऊ है ना कितनी कितना टाइम लगेगा उसको और वही यदि उसको एक जैसे सबके मतलब मतलब एक जैसे मतलब ऐसा नहीं सबके एक जैसे ही रहेंगे एक जैसे, sense, एक जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके जिसने बनाए होंगे फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट्स यदि वो सबके सिमिलर फॉलो करके बने होंगे तो इन्वेस्टर को सभी के सभी कंपनीज के स्टेटमेंट्स को देखने में कितनी आसानी होगी बताइए होगी कि नहीं होगी जैसे टीचर जब सभी के प्रोजेक्ट देखता है तो वह एक बार में समझ जाता है कि हाँ मैंने बोला था ऐसे पेज में बनाना ऐसी फाइल में बनाना ये चीज लिखना वो चीज लिखना तो फटाफट सबके चेक कर देगा क्योंकि उसको पता है ये मैंने कहा था वैसे ही जब इन्वेस्टर सबके एक जैसे देखेगा तो फटाफट फट 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 चेक कर लेगा फटाफट डिसीजन फट 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 ले लेगा उसको डिले नहीं होगा डिसीजन लेने में समझ गए तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव है किसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी हो किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसके द्वारा यूजर्स के द्वारा क्लियर हो गया समझ आ गया देखो एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि सबका एक ही पोजीशन आएगी सबका एक ही प्रॉफिट आएगा सबका एक ही लॉस एक ही लायबिलिटी एक ही असेट ऐसा नहीं है कहने का मतलब ये भाई देखो लॉस सबका अलग अलग प्रॉफिट सबका अलग निकल के आएगा कैपिटल सबकी अलग निकल के आएगी ठीक है लेकिन फॉर्मेट एक ही होना चाहिए ना फॉर्मेट एक ही होना चाहिए अब जैसे आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो सब एक ही फॉर्मेट से बनाते हो हालांकि कंटेंट सबका अलग अलग रहता है सब छुपा छुपा के बनाते हो अपना कंटेंट किसी को नहीं बताते सब छुपा छुपा के अपना प्रोजेक्ट बनाते हो स्पेशली लड़कियों में ये क्वालिटी होती है अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल छुपा छुपा के बनाएगी लड़के तो ऐसे हाँ भाई ले, ले ले यार तू मेरा ले, ले ले ला मेरे को तेरा दे दे ये तू मेरा बना देना मैं तेरा बना दूंगा तो लड़कों में ये क्वालिटी होती है पर लड़कियाँ इस मामले में बड़ी स्ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं अपने प्रोजेक्ट इतना छुपा छुपा के बनाएंगी और जब अगले दिन फ्रेंड पूछेगी क्यों तेरा बन गया अरे कहा यार अभी तक शुरू ही नहीं किया मैंने और अंदर ही अंदर सोचा तो कंप्लीट बन के रखा गया है मस्त है ना ये लड़कियों की क्वालिटी होती है मुझे पता है ठीक <laughs> है तो यहाँ मैं ये कह रही हूँ क्या कह रही थी प्रोजेक्ट का बता रही थी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके फॉर्मेट एक जैसे रहते हैं है ना भले अंदर का कंटेंट आपने क्या लिखा है वो आपके ऊपर है लेकिन फॉर्मेट एक ही है जैसे मान लो टीचर ने बोला कि आपको एक पेज लेना है पेज में यहाँ ये लिखना है फिर यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है यहाँ आपको हेडिंग लिखनी है यहाँ आपको अपना नाम लिखना है यहाँ आपको एक पिक्चर लगानी है यहाँ आपको ये करना है लाइक वाइज ये पूरा फॉर्मेट टीचर आपको बताते हैं बताते हैं सब बताते हैं अब जब सारे बच्चे मान लो पचास बच्चे हैं है ना जब 50 बच्चे इस तरीके का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो टीचर फटाफट समझ जाएगा कि, हाँ भाई, मैंने ऐसा -ऐसा -सा बोला था ठीक है, से चेक कर देगा 50 बच्चों के प्रचर लगाई किसी ने नहीं लगाई किसी ने पीछे लगा दी किसी ने टॉपिक लिखा नहीं लिखा किसी ने ही नहीं किसी ने उल्टा पुलटा करके बना दिया ऐसा करेगा तो टीचर को चेक करने में कितनी प्रॉब्लम होगी है ना इसलिए कहा गया है कि फॉर्मेट एक होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का अब अंदर क्या चीजें हैं वो कंपनी के अलग अलग रहेंगी है ना हर कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है लेकिन बनाने का तरीका फॉर्मेट सेम रहेगा जो से आपका एग्जाम्पल दे के दिए आप तो अब तो आ ही जाना चाहिए समझ में आ गया होगा ना चलो तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था अब तीसरे पे मूव करेंगे तीसरा क्या बोल रहा है अंडरस्टैंड सिग्निफिशेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड भाई देखो जवाब बार बार उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करोगे है ना उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगी वो समझ में आ जाने लगेगी भले देखो एकदम से कोई चीज देखोगे आपको समझ नहीं आएगी कंपनी के एकदम से कोई चीज देखोगे आप कंफ्यूज हो सकते हो आपको समझ नहीं आएगी पर जब बार बार वही चीज आप दूसरी दूसरी कंपनीज में भी देख रहे हो सभी कंपनी में आप वही वही चीज देख रहे हो तो एक पल ऐसा आएगा जब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी क्योंकि आपको पता है कि यार हर कंपनी फॉलो कर रही है ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है तो आपको आराम से समझ में आने लगी चीजें अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प मिलेगी एक ही बार करोगे ठीक है अलग अलग जगह यदि अलग अलग चीजें देखोगे तो कहाँ कहा, किस किस की कि समझोगे इसकी अलग चीज है ये कंपनी की अलग चीज है ये कंपनी के अलग प्रैक्टिस है इन कंपनी की अलग पॉलिसीज है तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी लेकिन मैं यदि सारी कंपनीज एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी तो धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड आपको भी मतलब आपको इन द सेंस जो यूजर है यूजर को भी आसानी से समझ में आने लगेंगे क्योंकि देखो हर यूजर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ा नहीं है राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कंपनी को पता है यूजर ने तो इतना पढ़ा नहीं है यूजर ने इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया और उनको नहीं मालूम लेकिन जब वो बार बार कंपनीज के चीजों में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी क्या उनको समझ में आ जाएंगी चीजें ठीक है

ठीक है प्रीवियस क्लास में भी देके बताया था कि जब आप एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो जो कंपैरिजन होता है ना वो इजी हो जाता है दो और दो से ज्यादा एंटिटी के बीच राइट right? किसके बीच दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच कंपेरिजन ईजी हो जाता है कैसे हो जाता है मैम देखो जब कंपनी एक ही फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सपोज ये फॉर्मेट है मान लो इस सब ने एक जैसा सारी कंपनीज ने एक ही फॉर्मेट के जरिए क्या बनाया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो इससे क्या होगा जब आप कंपेयर करोगे आपको पता है कि लास्ट में यहाँ पे मान लो प्रॉफिट दिखता है आपको पता है ये चीज क्योंकि आपने अपनी कंपनी में भी यही चीज फॉलो करी और लास्ट में यहाँ आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो सेम यही चीज दूसरी कंपनी भी कर रही होगी तब तो आपको दूसरी कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आपको शुरू से यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा कि यार प्रॉफिट कहाँ प्रॉफिट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ अच्छा ये इधर है

देखो मैं बताती हूं जब भी हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो सभी एक जैसे ही बनाती हैं, है ना अभी आपने सीखी नहीं है बैलेंस शीट बनाना मुझे पता है फर्दर चैप्टर्स में बताऊंगी मैं आपको इस तरीके का आपको फॉर्मेट होता है राइट बैलेंस शीट का जिसमें क्या कर रहे हो आप यहाँ अपनी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहे हो और यहाँ आप अपने असेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो अब यदि आप अपनी कंपनी के देखोगे आपको असेट लाइबिलिटीज़ देखनी है तो आप यहाँ लाइबिलिटी देखोगे यहाँ असेट देखोगे सबको पता है ये है ना यहाँ पे आप कैपिटल रिकॉर्ड करते हो सबसे पहले लाइक like भाई ये सारी चीज़े, सारी चीज़ें कंपनी फॉलो ऐसा नहीं कि कुछ कंपनी यहाँ सेट रिकॉर्ड करती हैं कुछ कंपनी यहाँ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करती है ऐसा नहीं भाई सभी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको सब कुछ मेंशन है कि भाई कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है हर चीज है ना तो जैसे आपने बनाई है सेम जो आपका कंपटीटर है उसने भी ऐसे ही बनाई है तो जब आपको दोनों की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है तो आराम से कर लोगे आपको पता है हम यहाँ लाइब्रेटी रिकॉर्ड करते तो सामने वाले ने भी इधर ही करी होगी तो आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा समझ गए ना आप अब तो समझ गए बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बता दिया समझ गए ना चलो यही होता है क्या कंपेरिजन इजी करना किसकी मदद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से चलो अब फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है इनहसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबिलिटी मतलब फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था क्या होता है बताओ रिलायबिलिटी मतलब एक तरीके से भरोसेमंद कि आप भरोसा कर पाओगे जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट st जो आपने बनाया सपोज ये जो आपके अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये जो स्टेटमेंट्स हैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड रहेंगे है ना तो जो यूजर्स हैं वो उसको ज्यादा भरोसा कर पाएंगे रिलायबिलिटी रहेगी उसमें कि भाई आपको पता है भाई देखो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बने हैं रूल्स कुछ फॉलो हुए हैं कुछ पूरी प्रॉपर इसमें प्रोसेस फॉलो हुई है पूरे प्रैक्टिसेस को आपने फॉलो किया है हर एक मेथड हर एक प्रोसीजर को जब आपने फॉलो किया है तो जो यूजर होंगे वो समझेंगे कि भाई स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है इसका मतलब सही होंगे भरोसेमंद होंगे है ना डाउट नहीं होगा फिर उसमें क्या सही है कि नहीं है गलत तो नहीं है कहीं है ना तो यदि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स

क्या चीजें हैं क्या उद्देश्य हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के समझ आए पक्का अच्छे से चलो तो आज की जो क्लास थी हमारी इसमें हमने क्या क्या देखा कॉन्सेप्ट देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जाना और ऑब्जेक्टिव जाने

और हम अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं जैसे कि दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड एंड बोर, राजस्थान बोर्ड इसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हम भी हम हम प्रोवाइड प्रोवाइड कराते कराते हैं हैं क्रैश कोर्स आपके रिविजन के लिए राइट ई e बुक्स या ई e नोट्स का बेनिफिट लेना है सो डियर स्टूडेंट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक like शेयर तो पक्का करने ही करना है राइट और यदि हमारे कोर्सेज देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज फॉर टूडेज क्लास मिलेंगे अगली क्लासेस में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग